दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे घटना के बारे में जहाँ पे कि एक 55 इयर्स का आदमी अंधविश्वास के ऊपर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर बैठता है, जहाँ पे उन्होंने 35 किलो अपना इंसानी मांस खो बैठा था और उन्हें देखने में किसी स्केलेटन की तरह लग रहा था। इस वीडियो को फर्स्ट से पूरा लास्ट तक देखिए ताकि ये पूरा बात आप जान सके कि असल में उस दिन हुआ क्या था। 4 नवंबर 1938, इस दिन यूएसए के टेनेसी स्टेट के एक हॉस्पिटल में एक आदमी को भर्ती किया गया जिनका नाम वैंस वेंडर्स था। उनका एज 55 इयर्स था। उनको उनके वाइफ ने हॉस्पिटल में भर्ती किया था। फिर उनके वाइफ को डॉक्टर्स ने पूछा कि क्या हुआ था इनके साथ। तब उन्होंने बोला कि एक तांत्रिक ने उन्हें श्राप दिया था कि वे जल्दी ही मरने वाले हैं। ये केस ड्रेटन डोहर्टी नाम के एक डॉक्टर संभाल रहे थे। डॉक्टर ने वैंस का पूरा चेकअप किया और फिर ये पता चला डॉक्टर को कि वे पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। मेडिकल रिपोर्ट में भी सेम ही आया था कि उनके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर्स ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च की और फिर उनके फैमिली को ये बताया कि डॉक्टर ने उस तांत्रिक से बात की और तांत्रिक को पुलिस की धमकी दी, जिसके कारण तांत्रिक ने सच बोल दी और उसने बोला कि उसने कुछ छिपकली के अंडे वैंस की तरफ फेंके थे, जिसमें से एक अंडा वैंस के शरीर के अंदर जन्म ले लिया है, जिसके कारण उसके साथ अभी ऐसा हो रहा है। फिर डॉक्टर ने वैंस को वॉमिटिंग का इंजेक्शन देता है और फिर वैंस उल्टी करता है और उस उल्टी के अंदर डॉक्टर एक मरी हुई छिपकली डाल देता है और फिर वैंस को वही छिपकली दिखा के बोलता है कि वैंस अभी तुम स्वस्थ हो और यही छिपकली तुम्हारे शरीर के अंदर से तुम्हारे शरीर को खा रहा था। उस छिपकली को देख के आराम से सो जाता है और फिर नेक्स्ट डे वे उठ के बहुत ही हेल्दी महसूस करता है और फिर वो घर लौट जाता है अपने फैमिली के साथ और एक फिर से हेल्दी लाइफ जीने लग जाता है। अब गाइज, इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि ना ही डॉक्टर ने उस तांत्रिक के साथ बात की और ना ही वैंस के शरीर के अंदर किसी तरह की छिपकली थी, जो चीज़ वैंस को उसके अंदर से उसको मार रहा था वो थी उसकी दिमाग और उसका डर। ये जो पूरा घटना है इसमें नोसिबो इफेक्ट का सबसे बड़ा हाथ था, क्योंकि नोसिबो इफेक्ट ही वही डर था जो कि वैंस को उसके अंदर से मार रहा था और डॉक्टर ने वही छिपकली दिखा के उसके अंदर प्लेसिबो इफेक्ट पैदा किया, जिसके कारण वो हेल्दी लाइफ जीने लगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट के बारे में लाने वाले हैं, जहाँ पे कि हम लोग बोलेंगे प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट इंसानों के ब्रेन के ऊपर कैसे हावी होती है। अलविदा।